एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट सा बन हेयर स्टाइल शेयर करूंगी जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। पार्टी में, वेडिंग में, गाउन ड्रेस के साथ, लहंगे के साथ आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इंस्टा आई डी Preeti24, वहाँ पर मेरी फनी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेगी एंड मेकअप ट्यूटोरियल भी वहाँ पर कभी कभी मैं अपलोड करते रहती हूँ, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड सेकंड जो चैनल है उस पर मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। Preeti2 सेकंड चैनल का नेम है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बालों को ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है। ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद से अपने क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर लेने हैं। अच्छे से कॉम करना है। मेरा सेटिंग स्प्रे ख़त्म हो गया है तो मैं आज सेटिंग स्प्रे यूज नहीं कर रही हूँ। आपका कहीं पे हेयर होल्ड नहीं हो रहा है तो आप सेटिंग स्प्रे यूज कर लीजिएगा। मैं बहुत ऑर्डर कर दिया है मैंने, जैसे ही आता है मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। अब इस तरीके से करने के बाद से आपको बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और आगे की तरफ पुल करना है इस तरीके से, जिससे कि आपके बालों में एक हल्का सा पफ बन जाए। और उसको बॉबी क्लिप से इस तरीके से सेट कर दीजिए। जब भी आप क्लिप्स लगाते हो तो क्लिप्स को हमेशा क्रॉस करके लगाइए, उससे आपके हेयर स्टाइल बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से क्रॉस करना है जिससे कि आपका जो आपने हेयर स्टाइल बनाया है वो वहीं का वहीं टिका रहेगा, कहीं से भी हिलेगा नहीं। उसके बाद से आपको अपने साइड का जो आपने हेयर छोड़ा था इसको लेना है, देन सिंपली चोटी बनानी स्टार्ट करनी है इसमें। चोटी बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत थोड़े थोड़े हेयर्स लेने हैं इस तरीके से। और ऊपर की तरफ से आपको लेके जाना है जिससे कि जो आपने पफ यहाँ पे बनाया है यहाँ तक ये हेयर चोटी आपकी आ जाए। इसको बनाने के बाद से हल्का हल्का सा इसको खींचना है इस तरीके से दोनों साइड से। इससे आपके बालों में एक इंस्टेंट सा वॉल्यूम आ जाएगा और आपकी चोटी जो पतली सी दिख रही थी वो थोड़ी सी वॉल्यूम वाली दिखेगी। और इसको आपने जहाँ पे क्लिप लगाया है वहीं पे ले जाके इस तरीके से सिक्योर कर देना है। ओके, यहाँ पे जो हेयर आपके एक्स्ट्रा दिख रहे हैं इनको अच्छे से आप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लीजिएगा। मैंने भी बताया आपको कि मेरा सेटिंग स्प्रे ख़त्म हो गया है तो मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड साइड भी आपको इसी तरीके से चोटी बनानी है। तो यहाँ से मैं लेयर लूँगी, पतला सा सेक्शन लूँगी बालों का, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देन जैसे हमने अभी बनाया था इस साइड में वैसे ही यहाँ पर गुंथते जाएंगे। बस यहाँ पर आपको फ्रेंच चोटी बनानी है। फ्रेंच चोटी के लिए आपको दोनों साइड से थोड़े थोड़े से हेयर अपनी चोटी के साथ ऐड करते जाना है। बहुत ही प्यारा लुक आएगा आप गाउन ड्रेस के साथ, लहंगे के साथ ये हेयर स्टाइल अगर बनाते हो तो। थोड़ा थोड़ा सा हेयर इसके साथ ऐड करते जाइए। अब साइड से मुझे लेयर छोड़ना है तो मैं थोड़े थोड़े से हेयर छोड़ छोड़ के ही अपने हेयर स्टाइल बनाते जाऊंगी। आपके फेस पे अगर आपका फोरहेड बहुत छोटा है या फिर आपको लेयर नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप जैसे मैं स्टार्टिंग से बना रही थी वैसे ही बना सकते हो।
पूरा एंड तक इसको गूथ लेंगे, जैसे कि हमारी पफ पफ तक ये वाला जो चोटी है ये चला जाए। तो यहाँ तक गूथने के बाद फिर अगेन इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से खींचेंगे। अब आप इसको बैक साइड में ले जाके अपने पफ के पास इसको भी सिक्योर कर लेंगे। अब आपको साइड चोटी बनानी है तो आप साइड में बना सकते हो, बीच में बनानी है तो आप बीच में बना सकते हो। मैं यहाँ पे साइड बना रही हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक फोनी बना लेनी है, अच्छे से फॉर्म करके इस तरीके से। मैं यहाँ पे ब्लैक रबर बैंड यूज कर रही हूँ, आपके हेयर का जो कलर है आप उस कलर का रबर बैंड यूज कीजिएगा। टाइटली पोनी टेल को बना लेना है और थोड़ा सा लेयर लेना है, इसको सिंपल सी चोटी बना देनी है। एंड तक पूरा चोटी को गूंथ लेना है। और इसको भी हल्का हल्का सा यहाँ पे आप एक रबड़ बैंड ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी चोटी बाद भी खुल ना जाए और आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब इसको हल्का हल्का सा हम खींचेंगे, जिससे कि जो हमारी चोटी है थोड़ी सी वॉल्यूम वाली दिखे एंड मोटी दिखे थोड़ी सी। इसी तरीके से आपको दो चोटियाँ और बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने तीन चोटियाँ इस तरीके से बना ली हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली एक चोटी लेना है और रबर बैंड के ऊपर इस तरीके से लपेट देना है, और जो आपने रबर बैंड एंड में लगाया था उसको हाइड करना है एंड यू पिन से इसको सिक्योर कर देना है। अगेन सेकेंड चोटी लेनी है, देन इसी तरीके से अपने रबड़ बैंड के ऊपर चारों तरफ से लपेटना है एंड यू पिन से इसको भी सिक्योर कर देना है। तीन चार यू पिन्स आप अच्छे से लगा लीजिएगा, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड लंबे टाइम तक चले। फिर एक और चोटी जो आपने बनाई थी वो भी लेना है, इसको भी रबड़ बैंड के चारों तरफ लपेट के यू पिन से सिक्योर कर देना है। सिक्योर करने के बाद से आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा खींचना है, जिससे कि आपका जो बन है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे और स्टाइलिश सा लुक आए आपके बालों में। अगर आपके बाल बहुत हल्के हैं तो इस तरीके से आप खींच लेंगे तो थोड़ा सा आपका जो बन है वो बड़ा दिखेगा। और अपने रबड़ बैंड को अच्छे से हाइड कर देना है, कहीं से भी आपका रबड़ बैंड दिख रहा है तो आप इस तरीके से चोटी को पकड़ोगे एंड उसके ऊपर एक यू पिन लगा दोगे। रबड़ बैंड दिखना नहीं चाहिए, उससे आपका लुक ख़राब हो जाएगा। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप बिना डोनेट बन के आप हेयर स्टाइल बताइए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डोनेट बन यूज़ नहीं किया है। डोनेट बन यूज करके आप और भी बड़ा और सुंदर सा अपना बन बना सकते हो। तो ये हमारा साइड बन बन के रेडी हो गया है, जो कि आप कोई भी ड्रेस पे ट्राई कर सकते हो, गाउन पे स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल आपका। और इसको आप फ्लावर बन से इस तरीके से डेकोरेट कर लोगे तो और भी अच्छा लगेगा। अगर आपको गजरा लगाना है तो लगा सकते हो। इस तरीके से फ्लावर बन तीन चार आप अपने बन में ऐड कर दो, जिससे कि आपके बन का लुक अच्छा आ जाए। आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हो।
और यहाँ पे भी आप छोटे छोटे से मोतियों वाले जो पिन्स आते हैं वो अटैच कीजिएगा अपने चोटी के चारों, ये चोटियों के सेंटर में, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगे और स्टाइलिश लगे। तो ये है हमारे बन का फाइनल लुक। अपने लेयर्स को कर्ल्स कर लीजिएगा। अगर आपका पफ थोड़ा सा ऊंचा चाहिए तो आप इस तरीके से खींच के उसको थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हो। आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की इजी ट्यूटोरियल्स, हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।